करेंगे। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारी मौजूदगी मारर उत्तरी पंचायत क्षेत्र संख्या 21 में है, जो सरपंच पद की उम्मीदवार प्रीति देवी से आइए कुछ सवाल करते हैं, जो ये किन मुद्दाओं को लेके चुनावी मैदान में है, आइए उनसे मिलते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? प्रीति देवी। आप किस पद के लिए नामांकन करवाए थे? सरपंच पद के लिए। क्षेत्र संख्या 21। किन किन मुद्दाओं को लेके इस चुनावी मैदान में? जनता विकास के लिए। विकास कीजिएगा। आपका शुभ नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार। आप प्रीति देवी के सरपंच पद के प्रतिनिधि हैं जी। तो आप जो चुनाव मैदान में हैं, आप किन किन मुद्दाओं पे हैं? सबसे पहले नंबर में चुनावी मुद्दा जो है, ये एक न्याय रूप में, ये पद एक ऐसा है कि ये न्याय करेंगे, ठीक है। और न्याय के साथ साथ जितना भी हम पहले नंबर में तो प्राइवेट एक टीचर हैं, इससे पहले 10 साल लगभग मैं शिक्षा के रूप में हम अपना दान दे चुके हैं, ठीक है। उसके बाद उन बच्चों को जितना असुविधाएँ मिली है पिछले प्रत्याशी से या चाहे पिछले व्यक्ति से, उनको जैसे कि मान लेते हैं कि आचरण प्रमाण पत्र हो या चाहे क्या कहते हैं और भी पेपर वगैरह होता है जिसका कि नाम अभी हम नहीं कह सकते हैं। तो मूल रूप से यही समझ लीजिए सर कि उन विद्यार्थियों को सेवा मिलना चाहिए, जैसे पेपर पत्रिका जो होता है ना, क्या कहते हैं इसको, यानी आचरण जो मिलता है, आचरण प्रमाण पत्र, उसमें सरपंच को जो पैसा दे करके बनवाते थे, तो वही पैसा से हम उन बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं जो कि रास्ते में कठिनाई का सामना जो करते हुए एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो उसी के पैसा को हम विद्यार्थी में देना चाहते हैं। अगर जनता आपको जीत की मुकुट पहनाते हैं तो सबसे पहला क्या मुद्दा रहेगा आपका विकास का? सबसे पहले मेरा मुद्दा यही रहेगा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, चाहे भले ही स्कूल के माध्यम से हम करें चाहे समाज के माध्यम से करें, सबसे पहला प्राथमिकता होता है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के बिना कोई काम सफल नहीं हो पाती। आपके अनुसार शिक्षित उम्मीदवार की कितनी जरूरत है समाज में? देखिए, शिक्षित उम्मीदवार की तो हर हाल में जरूरत है ही, क्योंकि यदि शिक्षित नहीं रहेगा तो उसको काम के काम को पता नहीं है किस तरह आधार से करे और कहाँ करे, इसका जो है ठिकाना नहीं रहे जी। तो हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र के जनता को क्या जनादेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि यदि हमें सरपंच पद के लिए चुनते हैं तो पहला प्राथमिकता रहेगा शिक्षा व्यवस्था में सुधार करवाना और उचित से उचित न्याय करवाना, वृद्धा पेंशन वगैरह जो बनाने में जो पेपर वगैरह जो लगता है उसमें कोई खर्च नहीं, विवाद जो उलझ जाता है उसको सुलझाने में भी हम कोई खर्च नहीं लेंगे, ये मेरा जनता से वादा है। चलिए ठीक है।